Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So in this video we will discuss exercise 12.2 Heron's formula. Question 1, 2, 4, 5, 6, these are very important questions. So without wasting any time, let's get started. So 12.2 first question, I will read the question here, but मैंने main points मैंने लिख दिए हैं, फिर हम solution discuss करेंगे, clear? A path in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? आपको बोला है एक quadrilateral है, ये park है जो quadrilateral की shape में है. और आपको एंगल सी 90 डिग्री दिए, ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5, ए डी 8. आपको डायमेंशंस दिए, लेंथ दी है और क्वाड्रिलेटर की शेप में, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये मैंने आपको फिगर बनाई है. जैसे 90 डिग्री दिया था, एक एंगल तो मैंने सी यहाँ ले लिया 90 डिग्री, फिर सी डी, सी बी एंड सी डी, और ये ए बी ए डी. डायग्राम आप देख लो, जो जो मेजरमेंट दी थी मैंने लिख दी. अब ये 13 मीटर नहीं दिया था, वो हमने निकालना है, वो मैं बताती हूँ क्यों निकाल रही. तो जैसे कि आपको इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ से एक डायगनल लेकर जाएं, मतलब बी से डी हमने लाइन ज्वाइन किया, तो आपके पास टू ट्रायंगल, मतलब टू फिगर्स आ गई, टू डिफरेंट फिगर्स. एक तो ये आ गई, ये ट्रायंगल है आपका, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है. दूसरे वाला एक कोई भी फिगर आपकी, ये ट्रायंगल ही है दूसरा भी, बट वो राइट एंगल नहीं है. ठीक है, ये सिंपल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इन दोनों का प्लस कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा. मतलब आप बी सी डी प्लस ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जब आप प्लस करोगे तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके पास आ जाएगा. क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं. कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए बी. ये मैंने यहाँ लिखा है, ट्रायंगल बी सी डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस ट्रायंगल में बेस क्या आपका, ये बी सी बेस है जिसका लेंथ कितना है 12 मीटर, मैंने पुट कर दिया. हाइट कितनी है, ये सी डी हाइट है, उसका मेजरमेंट कितना है 5 मीटर. आप 2 1 2 6 12, तो 5 6 30 मीटर स्क्वायर. आपने ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, कैसे? बाय अप्लाइंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर, अब आपको ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो अब सिंपल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते थे, हीरोन्स फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, अंडर दी रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, सारी साइड्स का प्लस अपॉन टू. सारी साइड्स का प्लस मतलब पेरीमीटर, अपॉन टू करोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, दैट विल बी एस. अब ए बी सी क्या होती थी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल. आपको देखो इस ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में आपको एक साइड दी है 8 मीटर, दूसरी साइड पे दी हुई है आपको 9 मीटर. ये पूरी ट्रायंगल, ये देखो इसको आप छोड़ दो, ये आपने निकाल दिया. अब सिर्फ इस फोकस, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ए बी डी, आपको सिर्फ 8 मीटर और यहाँ 9 मीटर दिए. ये आपको ये नहीं दिया था, ये मैंने अभी निकालने को बताऊंगी मैंने कैसे निकाला. आपको ये लेंथ दी थी, इधर ये ए डी दी हुई थी, आपको थर्ड लेंथ नहीं दी है, निकालनी है, तो आपको कैसे निकालोगे? देखो ये राइट ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वही किया. देखो ट्रायंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, इस ट्रायंगल में बी डी आपका हाइपोटेन्यूज, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ये मैं बोलना कि दीदी ये 13 है, ये मैंने आंसर लिखा है, कैलकुलेट कर बी डी 13 आएगा. ठीक है, अब ये अननोन थी हमारे लिए, तो मैंने बी डी एज इट इज लिखा है. तो ये 12 स्क्वायर क्या होता है, 144. 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, नॉट 12 इंटू 2. ओके, सो 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करोगे 169. ये क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया, बट हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज मतलब बी डी चाहिए. तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो बी डी का आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13. सबसे पहले क्या करना है, एक तो सबसे मेन बात एरिया कैसे निकालना है, इन दो ट्रायंगल का प्लस करके. इस ट्रायंगल का तो आप आराम से निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है. क्लियर, इसका निकाल लिया. अब इस ट्रायंगल पे जब हम मूव करते हैं, तो आपको ये लेंथ नहीं पता है, मतलब आपको थर्ड साइड नहीं पता है, तो आपने कैसे निकालनी है, इसी ट्रायंगल से यूज करो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपके पास बी डी आ जाएगा. क्लियर,
उसके बाद बीडी के बाद आपके पास तीनों साइड जा गई, आप यहाँ से सेमी पेरीमीटर भी निकाल लोगे, तीनों का प्लस करोगे अपॉन टू, ऐसा जाएगा। एबीसी आपको दिया हुआ है, आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, आप इस ट्रायंगल ए बी डी की सिर्फ कैलकुलेशन कर आंसर निकालोगे। वहां पे आपका आंसर खत्म नहीं है, दोनों की वैल्यू जैसे इसका 30 आया उसका भी कुछ और आएगा, मतलब सपोज कर लो 360 आया, सपोज मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही हूँ, 360 आया और इसका 30 है, तो आपने लास्ट में क्या करना है, इसमें लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, इन दोनों का प्लस था तो दोनों मेजरमेंट का प्लस कर आपका आंसर आ जाएगा। उसका भी मैं कैलकुलेशन दिखाती हूँ, पहले मैं आपको सिर्फ गो थ्रू दे रही हूँ। आपने ये करा, एरिया कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसका एरिया निकाला है। अब इसका मैं डिस्कस करती हूँ, पहले आप इसका नोट कर लो, इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट आपका जैसे ये हमने डिस्कस कर लिया, ये साइड हमने निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, नेक्स्ट आपने ए ये बी सी डी ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, क्लियर। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं ए बी डी के फॉर्मूले पे, तो वीरोन्स फॉर्मूला आपके पास ए बी सी की वैल्यूज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, तो वो कैसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्लियर। उसके बाद आपने एस फाइंड आउट करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पेरीमीटर अपॉन टू, पेरीमीटर का हाफ करोगे सेमी पेरीमीटर आएगा, तो तीनों साइड्स का प्लस किया वो आया 30 अपॉन टू, दैट विल बी 50, आपके पास एस की वैल्यू आ गई 15। अब आपने एरिया में पुट कर देना है, बस एस की जगह 15, ए की जगह 8, 9 और 13 आपने वैल्यूज डाल देनी है। कैलकुलेशन देखो, 15 को मैंने स्प्लिट किया है 5 इंटू 3, यहाँ किया जैसे 15 इंटू में माइनस करोगे 7, देन इंटू में 2 इंटू में 6 की माइनस कर आई वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ स्प्लिटिंग किया, आपके पास 15 की 5 इंटू 3, 7 का 7 एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज और 6 का 2 इंटू 3, ये जो 2 इंटू 3 ये 6 है, ये आपको गिवन था और ये 5 3 जा 15 को स्प्लिट किया, ठीक है। अब आपने इसमें पेयरिंग निकालनी, देखो 2 का पेयर तो है निकल गया, 3 का पेयर भी है आपके पास, आपके पास क्या बचा 5 इंटू में 7 अंडर द रूट में, तो वह है अंडर द रूट 35। उसके बाद अंडर द रूट 35 की मैंने वैल्यू पुट की है, वो है 5.91, क्योंकि आपको यहीं तक आंसर नहीं छोड़ना, आपको टोटल एरिया निकालना है प्लस कर, तो मैंने पूरी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट की है, तो 6 इंटू में 5.91 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 35.46 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। यह है आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया, इसका आपने निकाला था आया था 30 और आपने इस ट्रायंगल का फाइंड आउट कर लिया ये, तो आपने टोटल एरिया कैसे निकालना है, 30 प्लस 35.46 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 65.46 मीटर स्क्वेयर, प्लस कर दोगे ना दोनों को तो 65 प्लस 46 मीटर स्क्वेयर, राउंड ऑफ ले लेना आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन आपका, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया एकदम सेम वैसा ही है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ मतलब मोटा मोटा जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा वो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको इस क्वेश्चन का, अगर सॉल्विंग आप खुद करके देखना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी बी सी सी डी डी ए ए सी, मैंने सारी मेजरमेंट लिखी है, आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। अब यहाँ कोई एंगल नहीं दिया, ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम भी बनाया, देखो ए बी आप कोई भी साइड नीचे ले सकते हो, मैंने ए बी से स्टार्ट किया, ए बी बी सी सी डी डी ए देन ए सी, सारी मेजरमेंट मैंने लिख दी। अब यहाँ आपको राइट एंगल तो दिया नहीं है, मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल नहीं है ना, तो आपने दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, हीरोन्स फॉर्मूला, आपके पास सिर्फ एक ही बचा, तो आपने दोनों का अलग अलग हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर एरिया निकालना है, फिर लास्ट में आपने उन दोनों को प्लस कर देना है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे मेन चीज़ ये आपने ज़रूर लिखनी है, ये अगर आप ये लिखते हो ना तो टीचर को लगता है कि हाँ नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है, मार्क्स गेन करने के लिए आप ये ज़रूर लिखिएगा लाइन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, मतलब इन दोनों का प्लस कर इन दोनों के एरियाज को प्लस करोगे ऐड करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आएगा, क्लियर। फिर उसके बाद मैंने लिखा ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसमें एस की वैल्यू मैंने आपको बताई है, ए बी सी में एस का क्या 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर आप सिर्फ ए बी सी देख रहे हो तो आपने ये ट्रायंगल नहीं देखना, सिर्फ ये है, तो तीनों साइड आपकी क्या आ जाएगी 3 4 5, तीनों को प्लस किया अपॉन टू आपका एस की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यूज भी लिख दी। लास्ट में एरिया का ये फॉर्मूला होता है एस अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और आपका एरिया आ गया, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया क्लियर। ऐसे ही आपने सेकंड का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, उसमें एस क्या आएगा, अब इसको हाइड कर लो सिर्फ ए सी डी ए वाला, तो 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2 आपका 7 आ गया, ए बी सी की वैल्यू लिखिए,
ऐसे यहाँ पर एरिया में जैसे पुट करोगे आप वैल्यूज, मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया है, प्रॉब्लम आएगी कमेंट कर पूछ लीजिएगा। एरिया आप पुट करोगे वैल्यूज, एरिया आ जाएगा। लास्ट स्टेप सबसे मेन ये लिखा है ना आपने लाइन, काफी बच्चे हैं जो आप सिर्फ दोनों के एरिया निकाल लोगे प्लस भूल जाते हैं काफी बच्चे करना, तो उसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल के एरिया नहीं पूछे, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो आपने दोनों के ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिए, लास्ट में बस प्लस करके आंसर लिखना है। जल्दी से नोट करो अगर आपने करना है, उसके बाद आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है, देखो फिगर ट्रायंगल है और एक ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों का एरिया सेम है, क्लियर। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बोला है ये ट्रायंगल की साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, और जो पैरेललोग्राम है मतलब जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल कौन से सेम बेस पर है, 28 पर। उसने बोला ना कि पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28, जो पैरेललोग्राम है वो 28 बेस पर स्टैंड करता है, मतलब दोनों किस पर है, 28 पर है, और बाकी के जो टू साइड्स है ट्रायंगल की वो मैंने यहाँ शो कर दी, ठीक है। आपको एरिया नहीं पूछा है यहाँ पर, आपको क्या पूछा गया है कि पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है वो बताओ, और आपको क्या क्या गिवन है उसी से आपका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो आप, सबसे पहला स्टेप फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वो कैसे निकालोगे, किरॉन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तीनों साइड्स आपको दी हुई है, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, सब तीनों साइड्स का प्लस, ये देखो तीनों साइड का प्लस 0.2, 42 आपका सेमी मीटर आ गया, ठीक है सेमी पेरीमीटर। तो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है, एस की जगह 42, ए बी सी की वैल्यूज ये थी, ए बी सी वैल्यूज आपने सॉल्व करी। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, माइनस है देन आगे सिंप्लीफिकेशन है, एक्सपैंड किया हमने, जो कॉमन है सारा कॉमन आ गया। देखो मैंने सिंबल्स भी बनाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफाई करने कौन सा किसका पेयर है। मल्टीप्लाई करोगे 336, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक बार देख लो, नहीं समझ आएगा कमेंट कर बता दीजिएगा। तो 336 आपका एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल का। अब हमने ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा था, आपको हाइट पूछी है, बट आपको देखो ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। ए बी सी यूज कर लिया हमने, पैरेललोग्राम 28 पर है वो भी हमने यूज कर लिया, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, इससे तो कुछ निकाल नहीं पाओगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली इक्वेशन देखो, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है लग गया पता, दूसरा सेम एरिया है दोनों का, हम इक्वेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल का एरिया तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आपके पास 28, हाइट तो आपको निकालनी है, तो आपने वैल्यू इंटू एच कर दिया। अब यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे, 336 अपॉन 28 जो आप शिफ्ट करोगे क्योंकि यहाँ 28 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, तो कैंसिल आउट करके आपके पास हाइट आ जाएगी 12। रिकॉलिंग जल्दी से, दोनों सेम बेस पर हैं, दोनों का एरिया भी सेम है, ए बी सी वैल्यूज दी हुई है, तो आप एस निकाल लोगे, फिर आपने एरिया में मतलब फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करनी है वैल्यू, और कैलकुलेशन करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर आपने इक्वेट कर देना है क्योंकि हमें गिवन है कि ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट करोगे, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे। जल्दी से नोट डाउन करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। आपके पास एक रोम्बस शेप फील्ड है, उसमें 18 काउस ग्रेस कर सकती है, ठीक है घास खाती है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, अगर हर एक साइड रोम्बस की 30 मीटर है, हमें पता ही कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो आपको 30 मीटर की साइड्स दी हुई है, एक 30 की है तो बाकी सारी भी 30 की होंगी। उसके बाद आपको बोला है और उसका जो लॉन्गेस्ट डायगनल है, चाहे आप ये वाला ड्रॉ करो चाहे आप बी डी ड्रॉ करो, कोई भी एक डायगनल आपको बोला है वो 48 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, मतलब एक जैसे पूरा एक फील्ड है, ये सपोज करो एक पूरा फील्ड है, इस पे 18 काउस है, वो सारे 18 काउस ये मिलकर ग्रास खा लेती हैं इस फील्ड की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक काउ कितना एरिया कवर करेगी, मतलब कितना घास का एरिया वो खाएगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो, कैसे, बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला। देखो दोनों में आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, रोम्बस दो ट्रायंगल है, तो आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, इंटू में 2 कर देना, क्यों, क्योंकि आपके पास सारी साइड्स इक्वल हैं। देखो इसका मेजरमेंट देखो ए बी सी का 30 30 48,
दूसरे वाले का भी क्या आएगा 30 30 48, तो दो दो बार निकालने से बेटर ये है कि आप एक का एरिया फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एरिया क्या आएगा, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस की वैल्यू 30 प्लस 30 प्लस 48, ये मत करना 30 30 30, ट्राइंगल का सिर्फ फर्स्ट वाले का लो, तो 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 आपके पास आ जाएगा एस की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है 30, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 48, अगर हम इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं ए बी सी में, तो आपने निकाल दिए वैल्यूज डाली है, देखो यहाँ पर माइनस करके इधर है, उसके बाद स्प्लिटिंग मैंने की है 24 आर्बिटर्स, क्योंकि वो 2 टाइम्स था तो हमें पता है एक आ जाएगा उसमें पेयर में, तो 24 आर्बिटर्स रखा है मैंने, 54 और 6 को स्प्लिट किया तो आपके पास ये आता है वैल्यू 432। यहाँ पर ध्यान रखना ये सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया है, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट में टोटल एरिया कैसे निकालना है इनटू में 2 करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, वो आएगा ये, ठीक है। अब बोला है कि 18 काउज मैंने यहाँ पर इस फील्ड पे है, 18 काउज मिलकर इतना एरिया कवर करती है, तो एक काउ कितना करेगी अपॉन 18 कर देंगे, तो आपके पास कैलकुलेशन 48 आ जाएगा आंसर। नोट करो क्या था, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया हमने, एस निकाल दिया 30 30 48 अपॉन 2, एस आ गया, ए बी सी वैल्यू हमें साफ दिख रही है, आपने एरिया में वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, आंसर वो टोटल एरिया नहीं है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाला। टोटल एरिया कैसे निकालोगे, इंटू टू, अगर इंटू टू किसी को समझ नहीं आ रहा, इसका आप अलग से निकाल लो, दूसरे वाले का अलग से एरिया निकाल लो, वैसे कर लो जैसे आपको समझ आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको ईजी है। फिलहाल में दोनों अगर आप अलग अलग निकालोगे, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, दोनों का एरिया लास्ट में हमने प्लस भी करना है, ठीक है, तो आपका प्लस करके भी यही आएगा, फिर आप इससे ये समझ रहे हो कि 18 काउज मिलकर इतना एरिया कवर करती हैं, तो एक काउ कितना करेगी इसका, मतलब 864 अपॉन 18, वो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे, पर वो तभी आपको समझ आएंगे जब आप ये सारे प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, मतलब ये बेस है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, 2 टाइम्स करिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको मेरा वे पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।